Without thinking that, as yet he didn't know anything about his present ability to move, and that his speech possibility, indeed probably, had once again not been understood. अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, बट आई एम स्टॉपिंग हियर क्योंकि सेंटेंस थोड़ा बड़ा है एंड वी विल स्टडी इट इन पार्ट्स. तो शुरुआत में क्या बोल रहे हैं, विदाउट थिंकिंग दैट एज येट ही डिडेंट नो एनी थिंग अबाउट हिज प्रेजेंट एबिलिटी. अभी तक वो ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया था, ये सोच नहीं पाया था कि उसकी आवाज़ दूसरे लोगों को सुनाई नहीं आ रही है. मीन्स सुनाई आ रही है बट समझ नहीं आ रही है, बिकॉज हिज़ वर्ड्स लुक लाइक सम एलियन वॉइस और सम वॉइस विच इज़ नॉट फेमिलियर, विच इज़ नॉट द ह्यूमन वॉइस. तो उसने अभी जो इतना लंबा डायलॉग बोला था जिसकी वजह से मैनेजर पीछे हट रहा था, तो ग्रेगोर को ये लग रहा था कि सारी बात मैनेजर समझ पा रहा है, बट ऐसा नहीं था. एनीथिंग अबाउट हिज प्रेजेंट एबिलिटी टू मूव, अभी तक उसको ये नहीं पता था कि उसकी प्रेजेंट एबिलिटी नहीं है, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा. एंड डैट इज़ स्पीच पॉसिबली, और उसकी स्पीच भी अंडरस्टूड नहीं है, दूसरों को समझ नहीं आ रही वो कि वो क्या बोल रहा है. इंडीड प्रॉबली, और हो सकता है शायद, हैड वंस अगेन नॉट बीन अंडरस्टूड, शायद अभी जो उसने इतना ढेर सारा बोला वो फिर से किसी ने ना समझा हो क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही दूसरे लोगों को. एंड वॉन्टेड टू गो ओवर टू द मैनेजर, और फिर वो चाह रहा था कि मैनेजर तक पहुँचे किसी तरह, मैनेजर तक जाए वो फटाफट. ही लेफ्ट द विंग ऑफ द डोर, पुश्ड हिमसेल्फ थ्रू द ओपनिंग. उसने क्या किया, ही लेफ्ट द विंग ऑफ द डोर, उसने डोर के विंग को छोड़ा. डोर का विंग का सहारा लेके खड़ा था ना वो, तो उस डोर के विंग को उसने छोड़ा. पुश्ड हिमसेल्फ थ्रू द ओपनिंग, और जितनी भी ओपनिंग थी, जितना दरवाज़ा खुला हुआ था उससे होकर बाहर गया वो. एंड वॉन्टेड टू गो ओवर टू द मैनेजर, मैनेजर तक पहुँचना चाहता था वो, इससे पहले कि मैनेजर घर से बाहर चला जाए और ऑफिस तक जाके सबको बता दे. वो मैनेजर को रोकना चाहता था, मैनेजर तक पहुँचना चाहता था. हु वॉज ऑलरेडी होल्डिंग टाइट ऑन टू द हैंड रेल विथ बोथ हैंड्स ऑन द लैंडिंग इन अ रिडिक्यूलस वे. और अब मैनेजर क्या कर रहा था, मैनेजर अभी भी स्टेयर केसेस पर ही था, और वो दोनों हाथों से बहुत टाइटली हैंड रेल को पकड़े हुए था. ऐसा लग रहा था कि वो छोड़ेगा नहीं हैंड रेल को, जैसे छोटे बच्चे डर के मारे किसी को पकड़ लेते हैं, अपने पेरेंट्स को होल्ड कर लेते हैं बहुत टाइटली सो दैट दे कैन फील सेफ. इसी तरह से मैनेजर भी उन हैंड रेल्स को, जो रेलिंग होती है स्टेयर केसेस में, उसको बहुत टाइटली पकड़े हुए था दोनों हाथों से इन अ रिडिक्युलस वे. रिडिक्युलस मीन्स लाफेबल. अगर कोई देखता उसको, मैनेजर को वहाँ खड़े हुए इस पोजीशन में, सो दे मे लाफ एट हिम. इतनी ज़्यादा फनी पोजीशन में, रिडिक्युलस पोजीशन में वो खड़ा था वहाँ पर. बट एज ही लुक्ड फॉर समथिंग टू होल्ड ऑन टू, विद अ स्मॉल स्क्रीम ग्रेगोर इमिजिएटली फेल डाउन ऑन टू हिज न्यूमरस लिटिल लेग्स. लेकिन इससे पहले ग्रेगोर को कुछ सहारा मिल पाता, ग्रेगोर ढूंढ रहा था अब क्या पकड़ूँ मैं, किस चीज़ का सहारा लूँ. समथिंग टू होल्ड ऑन टू मतलब किसी चीज़ का सहारा लूँ, कुछ होल्ड करूँ मैं ताकि मैं सीधा खड़ा हो पाऊँ. बिकॉज अभी उसने क्या किया था, जो डोर का विंग होता है, दरवाजे का एक फ्लैप होता है, उसको छोड़ दिया था और आगे बढ़ रहा था वो. तो क्या हुआ, विद अ स्मॉल स्क्रीम ग्रेगोर इमिजिएटली फेल डाउन, और स्क्रीम किया उसने, बट स्क्रीम भी उसकी ज़्यादा लाउड नहीं थी, ज़्यादा सुनाई नहीं दी किसी को. ग्रेगोर इमिजिएटली फेल डाउन ऑन टू हिज न्यूमरस लिटिल लेग्स. अब देखो ये छोटी छोटी लेग्स हैं ग्रेगोर की, अभी वो खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन में चलने की कोशिश कर रहा था चीज़ों को होल्ड करके, लेकिन उसको जब कोई सहारा नहीं मिला सो ही फेल डाउन. वो जैसे कॉकरोचेस होते हैं ना, वो अपनी सारी टांगों पर चलते हैं, सो इसी तरह से ग्रेगोर भी गिर गया नीचे और अपनी न्यूमरस लेग्स पर आ गया. स्केर्सली हैड दिस हैपेंड वेन ही फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मॉर्निंग ए जनरल फिजिकल वेलबींग. स्केर्सली मीन्स बहुत कमी से, बहुत यू कैन से वेरी रेयरली. स्केर्सली हैड दिस हैपेंड, ये जो अब फील हो रहा था ग्रेगोर को, बहुत रेयरली होता था ये. वेन ही फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मॉर्निंग, जब वो पहली बार ये फील कर रहा था उस मॉर्निंग, क्या फील कर रहा था, ए जनरल फिजिकल वेलबींग. अब फिजिकली वो फिट महसूस कर रहा था, और उसका रीज़न क्या था, बिकॉज जो वर्मिंस होते हैं देयर नेचुरल पोजिशन इज़ लाइक दिस, मतलब दिस इज़ द फ्लोर, ये ज़मीन है, और वर्मिंस ऐसे चलते हैं, उनकी जो सारी लेग्स होती हैं इस तरह से क्रॉल करते हैं वो, बट नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक ह्यूमंस, अपने दो पैरों पर
या टू लिम्ब्स पर वो खड़े नहीं हो सकते. दैट इज़ नॉट देयर नेचुरल इंक्लिनेशन या नेचुरल पोजिशन टू स्टैंड. और ऐसे जब वो आ गया इस पोजिशन में, ही वॉज फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल, क्योंकि वो अब चल सकता था बिना किसी चीज़ का सहारा लिए. द स्मॉल लिम्ब्स हैड फर्म फ्लोर अंडर देम. दे ओबेड परफेक्टली एज ही नोटिस्ड टू हिज जॉय एंड स्ट्रोव टू कैरी हिम फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ही वॉन्टेड. स्मॉल लिम्ब्स, छोटे जो उसके लिम्ब्स थे, हाथ पैर थे छोटे छोटे, हैड फर्म फ्लोर अंडर देम. फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और यू कैन से हार्ड, कठोर भी कह सकते हो आप. तो उसके लिम्ब्स के नीचे कठोर फ्लोर था. अब उसको फील हो सकता था कि हाँ, ये कुछ कुछ सॉलिड है मेरे पैरों के नीचे. दे ओबेड परफेक्टली, लेकिन अब क्या हुआ, उसके पैर परफेक्टली ओबे करने लगे उसको. वो जिस डायरेक्शन में अपने लिम्ब्स को मूव करना चाहता था, मूव कर पा रहा था. एज़ ही नोटिस्ड टू हिज जॉय, अब उसने जब नोटिस किया ये चीज़, उसको एक जॉय फील हुआ और उसको अच्छा लगा ये सोच कर, ये नोटिस करके. एंड स्ट्रोव टू कैरी हिम फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ही वॉन्टेड. स्ट्रोव इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्राइव. स्ट्राइव का मतलब होता है स्ट्रगल करना. तो स्ट्राइव किया उसने, स्ट्राइव मतलब थोड़ा स्ट्रगल किया उसकी टांगों ने, टू कैरी हिम फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ही वॉन्टेड. लेकिन अब वो उस डायरेक्शन में चल पा रहा था, उस दिशा में जा पा रहा था जिस दिशा में वो जाना चाहता था. उससे पहले क्या हो रहा था, उसके लिम्ब्स उसके कंट्रोल में नहीं थे. वो अपने लिम्ब्स को परफेक्टली मूव नहीं कर पा रहा था जिस डायरेक्शन में वो चाहता था उसमें. बट अब क्या हुआ, वो ईजिली किसी भी डायरेक्शन में चल के जा सकता था, क्योंकि वो अपनी नेचुरल स्टेट में आ गया था. जो वर्मिन होते हैं, सो कोई भी कीड़ा ले लो, कोई भी इंसेक्ट ले लो, उसकी बैक ऊपर होती है हमेशा और सारे लिम्ब्स नीचे की तरफ होते हैं. ईजिली वो अब चल पा रहा था अपनी नेचुरल स्टेट में आने के बाद, और उसको खुशी भी हो रही थी. ही वॉज फीलिंग जॉयफुल. राइट अवे ही बिलीव्ड डैट द फाइनल अमेलियोरेशन ऑफ ऑल हिज सफरिंग वॉज इमिजिएटली एट हैंड. राइट अवे, और अचानक से उसको ये महसूस हुआ, उसने ये बिलीव किया डैट द फाइनल अमेलियोरेशन ऑफ ऑल हिज सफरिंग वॉज इमिजिएटली एट हैंड. अमेलियोरेशन होता है सिंपल इम्प्रूवमेंट. अमेलियोरेशन का लिटरल मीनिंग है इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ में सुधार लाना. एंड प्रोनंसिएशन है अमेलियोरेशन. तो उसका फाइनल अमेलियोरेशन क्या था, फाइनल स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या था उसकी सारी सफरिंग का, वॉज इमिजिएटली एट हैंड. क्योंकि उसको बस एक ही चीज़ से परेशानी हो रही थी, दैट ही वॉज नॉट एबल टू मूव अराउंड. सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उसने किस चीज़ में किया था, अगर आपको याद हो पीछे की स्टोरी, तो उसको बेड से नीचे आने में दिक्कत आ रही थी. वो बेड से उठकर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू स्टैंड लाइक अ ह्यूमन. एक इंसान की तरह वो खड़े होना चाहता था, बट वो एक कीड़े के शरीर में था, एक वर्मिन के शरीर में था. एंड जो नेचुरल स्टेट है वर्मिन की, अब उसने अचीव की है जब वो अपने सारे लिम्ब्स पे गिर गया. दिस वॉज एक्सीडेंटल, बट इट वॉज़ अ हैप्पी एक्सीडेंट, क्योंकि अब उसको अच्छा लग रहा था कि मैं अपने नेचुरल स्टेट में हूँ, और फ्रीडम मिल गई थी उसको कहीं भी जाने की, किसी से भी, किसी तक पहुँचने की तो एटलीस्ट फ्रीडम मिल ही गई थी. कम्युनिकेट करना इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. बट एट द वेरी मोमेंट व्हेन ही ले ऑन द फ्लोर रॉकिंग इन अ रेस्ट्रेंड मैनर क्वाइट क्लोज एंड डायरेक्टली अक्रॉस फ्रॉम हिज मदर who had apparently totally sunk into herself, she suddenly sprang right up with her arms spread far apart and her fingers extended and cried out, help, for God's sake, help. Ab dekho. But at the very moment when he lay on the floor, rocking in a restrained manner, lekin jis moment wo floor pe lay kar raha tha, pada tha, matlab apne natural state mein tha, in a restrained manner, रॉकिंग इन अ रेस्ट्रेंड मैनर मतलब वो रॉक कर रहा था, डांस कर रहा था, बट इन अ रेस्ट्रेंड मैनर. क्वाइट क्लोज एंड डायरेक्टली अक्रॉस फ्रॉम हिज मदर, और उसकी मम्मी पास में थी, अब उसकी मम्मी पास में खड़ी थी, और डायरेक्टली मम्मी के सामने ही था वो, और क्वाइट क्लोज भी था, प्रॉक्सिमिटी में था मम्मी के. हु हैड अपेरेंटली टोटली सिंक इन टू हरसेल्फ, और वो खुद में ही सिंक हो रखी थी, वो शायद रो रही थी उस टाइम पर. शी सडनली स्प्रैंग राइट अप, और अपने संक पोजीशन से उठी. सडनली स्प्रैंग अप मीन्स स्प्रिंग अप की पास्ट फॉर्म है, सडनली खड़े हो जाना. विद हर आर्म्स स्प्रेड फार अपार्ट, और अपने हाथों को फैलाए हुए थी, मीन्स शी वॉज अफ्रेड, वो चिल्ला रही थी मदद के लिए. एंड हर फिंगर्स एक्सटेंडेड एंड क्राइड आउट, और उसकी उनकी मम्मी की, जो ग्रेगोर की मम्मी की फिंगर्स हैं, वो भी एक्सटेंडेड हुई हुई थी,
वो फैला रखी थी, जब हम मदद के लिए चिल्लाते हैं तो हमारे हाथ फैल जाते हैं, बिकॉज़ वी वॉन्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम समवेयर। हेल्प, फॉर गॉड सेक हेल्प। अब उसकी मम्मी चिल्लाती हैं, कोई मदद करो मेरी, खुदा के वास्ते कोई मदद करो। शी हेल्ड हर हेड बोट डाउन एज इफ शी वॉन्टेड टू व्यू ग्रेगोर बेटर, बट रैन सेंसलेसली बैक, कॉन्ट्रडिक्टिंग दैट जेस्चर, फॉरगेटिंग दैट बिहाइंड हर स्टूड द टेबल विद ऑल द डिशेज ऑन इट। शी हेल्ड हर हेड बोट डाउन, उनका सर नीचे ही झुका हुआ था। क्यों झुका हुआ था? बिकॉज वो ग्रेगोर को भी देखना चाहती थी साथ ही साथ में। एज इफ़ शी वॉन्टेड टू व्यू ग्रेगोर बेटर, क्योंकि वो ग्रेगोर को अच्छे से देखना चाहती थी, वो ग्रेगोर से नज़र नहीं हटाना चाहती थी। बट रैन सेंसलेसली बैक, लेकिन इतनी ज़्यादा डरी हुई थी वो, घबराई हुई थी कि वो सेंसलेसली पीछे की तरफ भाग रही थी। कॉन्ट्राडिक्टिंग दैट जेस्चर, उस जेस्चर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, मीन्स वो ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि वो डरी हुई हैं। फॉरगेटिंग दैट बिहाइंड हर स्टूड द टेबल, फॉरगेटिंग दैट बिहाइंड हर स्टूड द टेबल विथ ऑल द डिशेज ऑन इट। लेकिन अब वो ये भूल गई अपने सेंसलेसली पीछे भागने के चक्कर में कि उनके पीछे एक टेबल है जिस पे सारी डिशेस सजी हुई हैं, मीन्स उनकी डाइनिंग टेबल होगी। व्हेन शी रीच द टेबल शी सैट डाउन हैवीली ऑन इट एज इफ एबसेंट माइंडेडली एंड डिड नॉट अपीयर टू नोटिस एट ऑल डैट नेक्स्ट टू हर कॉफ़ी वॉज पोरिंग आउट ऑन टू द कारपेट इन अ फुल स्ट्रीम फ्रॉम द लार्ज ओवरटर्न्ड कंटेनर। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन शी रीच द टेबल, जब वो टेबल तक पहुँची, पीछे हट रही थी वो, उनके पीछे टेबल आ गई। अब वो जब टेबल पे पहुंची, शी सैट डाउन हैविली ऑन इट, और वो अचानक से उस पर बैठ गई टेबल पर डर के, एज इफ एब्सेंट माइंडेडली, और ऐसा लग रहा था एब्सेंट माइंडेडली बैठी हैं, उनको पता नहीं था कि वो टेबल पे बैठ रही हैं, कहाँ बैठ रही हैं, एंड वो अपने सेंसेस में नहीं थी अभी उसकी मदर ग्रेगोर की। एंड डिड नॉट अपीयर टू नोटिस एट ऑल, और उन्होंने बिल्कुल भी ये नोटिस नहीं किया डैट नेक्स्ट टू हर, कि उनके बिल्कुल बराबर में कॉफ़ी वॉज पोरिंग आउट ऑन टू द कारपेट, कारपेट पे कॉफ़ी गिर रही थी, पोर आउट हो रही थी, मतलब किसी कंटेनर से या जार से कॉफ़ी नीचे गिर रही थी। इन अ फुल स्ट्रीम, पूरी धारा के साथ बह रही थी वो कॉफ़ी, फ्रॉम द लार्ज ओवरटर्न्ड कंटेनर। ओवरटर्न का मतलब होता है कोई चीज़ उलट जाना या पलट जाना। आप अपने स्क्रीन पे भी एग्जांपल्स देख सकते हो ओवरटर्न्ड कंटेनर्स के, ठीक है? तो जब कंटेनर या तो उलट जाता है या पलट जाता है, सो उसको बोलते हैं ओवरटर्न्ड। तो जिस कंटेनर में कॉफ़ी रखी थी वो कंटेनर उलट गया था, वो कंटेनर गिर गया था, बिकॉज उसकी मम्मी वहाँ बैठ गई थी, तो उस फोर्स की वजह से वो कंटेनर उल्टा और उसकी जो कॉफ़ी थी वो कारपेट पर गिर रही थी। मदर, मदर सेड ग्रेगोर क्वाइटली एंड लुक्ड ओवर टूवर्ड्स हर। ग्रेगोर ने अब बोलने की कोशिश की, बोलता है मम्मी, मम्मी, क्वाइटली बोला उसने, और अपनी मम्मी की तरफ ऊपर गर्दन उठाकर देखता है, नज़र उठाकर उनकी तरफ। द मैनेजर मोमेंटरीली हैड डिसअपियर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम हिज माइंड। अब मैनेजर मोमेंटरीली मतलब कुछ पलों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए डिसअपियर हो गया था कम्प्लीटली फ्रॉम हिज माइंड। अब मैनेजर का ख्याल बिल्कुल चला गया था ग्रेगोर के अंदर से, क्योंकि ग्रेगोर अपनी मम्मी की तरफ फोकस्ड था पूरी तरह से, क्योंकि उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा डर गई थी कि ग्रेगोर को अब कोई और ख्याल नहीं आ रहा था अपनी मम्मी के अलावा। एट द साइट ऑफ द फ्लोइंग कॉफ़ी ग्रेगोर कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ स्नैपिंग हिज जॉज इन द एयर अ फ्यू टाइम्स। देखो अब जॉज स्नैपिंग क्या होती है, कि जब हम जॉज में से एक ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बी इट ह्यूमंस, बी इट एनिमल्स, बी इट वर्मिंस, तो उसको बोलते हैं जॉ स्नैपिंग। एक क्लिक साउंड आती है जॉज के अंदर से, एंड कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो एट द साइट ऑफ फ्लोइंग कॉफ़ी, अब कॉफ़ी को देखकर थोड़ा सा ग्रेगोर परेशान हुआ, मे बी उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हों कुछ, तो उसने अपने जॉज को स्नैप किया कई बार हवा में, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी को खा जाएगा। एट दैट हिज मदर स्क्रीम्ड ऑल ओवर अगेन, हरीड फ्रॉम द टेबल एंड कोलैप्स्ड इनटू द आर्म्स ऑफ हिज फादर हु वॉज रशिंग टूवर्ड्स हर। अब ये सब देखकर उसकी मम्मी ने स्क्रीम किया, स्क्रीम्ड ऑल ओवर अगेन, दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया उसकी मम्मी ने। वो और ज़्यादा डर गई कि शायद ये कीड़ा मुझ पर अटैक ना कर दे, मुझे खा ना जाए। हरीड फ्रॉम द टेबल, अब वो टेबल से और दूर भागी, एंड कोलैप्स्ड इनटू द आर्म्स ऑफ हिज फादर, और ग्रेगोर के फादर के आर्म्स में, मतलब अपने हस्बैंड की आर्म्स में कोलैप्स कर गई, उनको जाकर गले लग गई। हु वॉज रशिंग टूवर्ड्स हर, जो उनकी तरफ भाग कर आ रहे थे ऑलरेडी, और उनसे भागते भागते शी एम्ब्रेस्ड हिम।
But Gregor had no time right now for his parents. The manager was already on the staircase. लेकिन अब ग्रेगोर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को समझाता, कन्विंस करता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. द मैनेजर वॉज ऑलरेडी ऑन द स्टेयर केस. लेकिन अब उधर मैनेजर भी जाने को था, वो अभी भी वो ऑलरेडी स्टेयर केसेस पे उतर चुका था, तो अभी मैनेजर को रोकना भी ज़रूरी है. हिज चिन लेवल विद द बैनिस्टर, द मैनेजर लुक्ड बैक फॉर द लास्ट टाइम. जब वो सीढ़ियों से पूरा उतर चुका था तो उसकी जो चिन है वो बैनिस्टर के लेवल में आ गई थी. बैनिस्टर होता है जो रेलिंग्स होती हैं उसी को ही बैनिस्टर बोलते हैं. तो रेलिंग्स का जो अपर पार्ट होता है उसको बोल जिसको हम होल्ड करके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैनिस्टर. तो बैनिस्टर उसके चिन के लेवल तक आ गया, मीन्स वो सारी सीढ़ियाँ उतर चुका था ऑलरेडी. द मैनेजर लुक्ड बैक फॉर द लास्ट टाइम. अब मैनेजर ने आखिरी बार पीछे मुड़ के देखा ग्रेगोर की तरफ. वो सारा जो केओस चल रहा है अभी, उस केओस की तरफ एक आखिरी बार पीछे मुड़ के देखा. ग्रेगोर टुक एन इनिशियल मूवमेंट टू कैच अप टू हिम इफ़ पॉसिबल. ग्रेगोर ने इनिशियली बहुत तेज़ी से मूव किया, एक इनिशियल छलांग लगाई होगी या बहुत तेज़ी से भागा होगा सीढ़ियों की तरफ. टू कैच अप टू हिम इफ़ पॉसिबल, ताकि वो मैनेजर को टाइमली पकड़ पाए, अगर पॉसिबल है ऐसा तो मैनेजर को पकड़ ले और जाने से रोक दे. बट द मैनेजर मस्ट हैव सस्पेक्टेड समथिंग बिकॉज ही मेड अ लीप डाउन ओवर अ फ्यू स्टेयर्स एंड डिसअपियर्ड स्टिल शाउटिंग. हा, अब देखो क्या हुआ. द मैनेजर मस्ट हैव सस्पेक्टेड समथिंग. मैनेजर ने पहले से ही सस्पेक्ट कर लिया था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ होने वाला है, ये मेरे पीछे ज़रूर आएगा. बिकॉज ही मेड अ लीप डाउन ओवर अ फ्यू स्टेयर्स एंड डिसअपियर्ड. जो लास्ट की कुछ सीढ़ियाँ बची थी, होता है ना कभी कभी हम जल्दी जाने के चक्कर में लास्ट की फ्यू स्टेप्स एक एक करके ना उतर के एक साथ हम जंप कर लेते हैं, लीप कर जाते हैं, छलांग में लगा देते हैं. सो मैनेजर ने भी यही किया. जो लास्ट की 4-5 सीढ़ियाँ बची थी या 2-3 सीढ़ियाँ बची थी, उनसे उतरने के बजाय डायरेक्टली लीप करके वहाँ से जंप करके चला गया. स्टिल शाउटिंग ह, और अभी भी वो चिल्ला रहा था मैनेजर. द साउंड एकोड थ्रू आउट द एंटायर स्टेयरवेल. अब स्टेयरवेल क्या होता है, जो शाफ्ट बनी होती है किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जाती है पूरी बिल्डिंग में, जिसके अंदर स्टेयर केसेस बने होते हैं उसको बोलते हैं स्टेयरवेल. वो पूरी शाफ्ट को ही स्टेयरवेल बोलते हैं. द साउंड एकोड थ्रू आउट द एंटायर स्टेयरवेल. पूरी स्टेयरवेल में ऊपर से नीचे तक वो आवाज़ गूंज रही थी, मैनेजर की आवाज़ गूंज रही थी, उसके चिल्लाने की, उसकी स्क्रीमिंग की आवाज़ गूंज रही थी. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect.